क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। जनाब जफर भाई साहब, समीना मैडम कॉर्पोरेटर, हमारे शफाहत साहब, वासे साहब, जितने भी साबिका कॉर्पोरेटर और बैठ के सुनने वाले मेरे भाइयों, बुजुर्ग और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, मैं कोई बड़ा मुखरित तो नहीं हूँ, देखिए भाई मैं कभी कभी मौका मिल गया तो ठहर जाता हूँ। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि गुज़िश्ता नामपल्ली में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाफर हुसैन मिराज साहब के साथ काम करा सकूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से गुज़िश्ता 10 सालों में जाफर हुसैन मिराज साहब कई करोड़ों रुपए के जो है काम करा चुके हैं, तरक्याती काम करा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह के फजलो करम से सदर मोहतरम जो कैंडिडेट को आपको याकूबपुरे को दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन आदमी है, खुश मिजाज आदमी है, और कभी भी कोई भी जितने भी लोग इनसे इनके पास जाएंगे काम के लिए, कोई भी खाली हाथ इंशाल्लाह वापस नहीं जाएगा। मैं ये वादा कर रहा हूँ आपको कि हर काम के लिए सबसे पहले आगे बढ़ के जो है जाफर हुसैन मिराज साहब आप लोगों के काम के लिए सबसे पहले आगे रहेंगे, और आप सबकी हर चीज में इंशाल्लाह हर चीज में हर काम में मदद करेंगे, और डेवलपमेंट की हद तक तो आप इंशाल्लाह फिक्र मत करिए। जितने काम पाशा के दौर में हुए उसके बाद जितने अब बचे हुए काम है पाशा के बाद जाफर हुसैन साहब मुकम्मल करेंगे। मेरी अदबन गुजारिश इतनी है कि 30 नवंबर को जो पोलिंग होगी तो आप सबसे अदबन गुजारिश है कि पोलिंग परसेंटेज आप लोग बढ़ाइए, जिस तरीके से साबिका में जो पोलिंग परसेंटेज हुआ है उस तरीके से मत करिए। अवलीन वक्त 30 तारीख के दिन आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझते खास तौर पे सदर इब्तदाई मोतमद वर्कर जितने हैं जमात के चाहने वाले हैं और जमात के साथ हैं वो सब अपना अपना इलेक्शन, खुद का इलेक्शन अपने आप को जाफर हुसैन मिराज साहब अपने आप को जमात का एक फर्ज समझ के काम करिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा, और मैं आपसे अनबन गुजारिश कर रहा हूँ इस बार पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना है और भारी से भारी अक्सरियत से जाफर हुसैन मिराज साहब को कामयाब करना है, और कोई चीज की डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। मैं भी, जाफर हुसैन मिराज साहब भी और पूरी जमात आप लोगों के साथ है, किसी से किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ हैं। किसी को फोन आते आने दीजिए, फोन तोपा किधर से बिलों में से निकल के आते आने दीजिए, इंशाल्लाह हर एक का मुकाबला हम करने तैयार है। इंशाल्लाह 30 साल से मेहनत करते हुए आ रहा हूं मैं, आइंदा भी इंशाल्लाह जब तक आखिरी सांस जमात के वास्ते मेरी जाए आखिरी सांस तक जमात के वास्ते मैं काम करते रहूंगा, और आप सबसे भी मैं ये चाहूंगा कि जमात का साथ दीजिए, जमात का हाथ मजबूत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।